वालेकुम, दिस इज़ वरदा शुएब एंड वंस अगेन वेलकम टू रिवायतों की लज्जत। जहाँ बात आती है रिवायात की, वहाँ खानों का जिक्र ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे खाने ही जुड़े होते हैं हमारी रिवायात से। और जहाँ पे हमारे खाने रिवायात से जुड़े होते हैं, वहाँ ज़रूरी होता है कि आप उनको प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से उनकी रेसिपी से बनाएं, ताकि हमें वही रिवायती जायका आए और वही रिवायती जायका हम इंजॉय करें। और हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि वही रिवायती लज्जत हम लेके आएंगे आपकी डाइनिंग टेबल तक या दस्तरखान तक पीटीवी होम के ज़रिए। तो ऐसे ही आज ही हमने अपनी एक और कुकिंग एक्सपर्ट को बुलाया है, जो कि आज हमारा दस्तरखान सजाएंगी एक और रिवायती खानों से, जो कि है कुछ ढोकरी टाइप का। वो कुछ बना रही हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, ढोकरा फिश है और बना रही हैं मालपूड़े विद रबड़ी। इतनी कन्फ्यूजन करने से बेहतर है मैं उनको इन्वाइट ही कर लेती हूँ। तो हम बुलाते हैं हमारी आज की कुकिंग एक्सपर्ट को, जो कि है हमारी अनीला जी। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं ब्लैक में। सेम टू यू। सबसे पहले अनीला, ढोकरी है कि ढोकरा है? ढोकरा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, गुजराती में एक होता है ढोकला जी, एक होता है ढोकरा और एक होती है दाल ढोकरी, ये ढोकरा ढोकरी में फर्क क्या है? जी, तीनों अलग अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम ढोकरे बना रहे हैं जो बाजरे के आटे की मुठियां डलेगी इसके अंदर। बाजरे के आटे को बेसिक हम लोग गूंदेंगे, उसके बाद जब सब्जी बन जाएगी फिर हम उसमें मुठियां छोड़ देंगे। अच्छा, ये सब्जी के साथ बनेगा? बिल्कुल। और ये हम ढोकरा बना रहे हैं? बिल्कुल ढोकरा, उसके साथ फ्राई फिश खाई जाएगी जो हम सर्विंग के जब करेंगे उसके ऊपर हम उसको। अरे वाह, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आप अपना काउंटर संभाल लीजिए और मैं वो वाला काउंटर संभाल लेती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं इस शो में इस तरफ नहीं, काउंटर के इस तरफ खड़ी होती हूँ, एज अ सूस शेफ खड़ी होती हूँ, एज ए हेल्पिंग हैंड, क्योंकि वैसे तो मैं बनाती ही रहती हूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मुझे। बिल्कुल देखा है। प्याज उठा दूँ, ये वाली चॉप करनी है? ये नहीं, अच्छा, ब्राउन प्याज। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि इसमें हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करना है, मेजरमेंट्स क्या? पहले मैं वही प्याज लाल कर लेंगे, प्याज लाल, उसके बाद हम अदरक लहसुन डाल देंगे। अच्छा, तो अभी आप कितनी साइज की प्याज ले रही हैं? मीडियम, एक साइज? हाँ, एक, क्योंकि हम कम बना रहे हैं इसलिए हम एक। अच्छा, ऑयल कितना डाला आपने इसमें? आधा कप। आधा कप ऑयल लिया है, ऑयल गरम करने के बाद उसमें आपने एक मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हम टाइम को बचा रहे हैं, हम टाइम सेव कर रहे हैं, इसलिए हम जो है ऑलरेडी ब्राउन प्याज जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये अनिला जी की स्मार्टनेस है ना, कि झटपट बनाने के लिए ब्राउन प्याज पहले से यूज कर लें। जबरदस्त जी, अच्छा चलें जी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसमें? हम इसको लाल कर लेंगे थोड़ा सा, और हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ऑयल में प्याज का फ्लेवर आ जाए, राइट जी। अच्छा जी, अच्छा अनिला जी बताइए, रेसिपी आप लोगों की क्यों फेमस है? इसमें इसकी स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि सर्दियों में सब्जियां बहुत आती है और वैसे हम सारी इकट्ठी सब्जियां नहीं खा सकते हैं, और इस तरह से हम सब खा सकते हैं। मिक्स सब्जी भी तो खा सकते हैं? मिक्स सब्जी मतलब बहुत रोटी के साथ, ये रोटी के साथ नहीं खाई जाएगी। अच्छा, ये आपको सालन की तरह भी नहीं लगेगी, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अच्छा, खाने में ये कैसे? चावल के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल चम्मच से, ऐसे ही, ऐसे ही जी, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स करके, बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त है, ये तो आप एक सैलड की तरह जी 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 जी। इसको साइड लाइन सर्व करते हैं या एक मेन? नहीं 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 नहीं, मेन कोर्स है। बहुत सारे लोग मटन के साथ भी बनाते हैं। अच्छा, और बहुत साथ जी फिश के साथ भी बनते हैं, के साथ, चिकन के साथ भी, बिल्कुल, अगर आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन के साथ ऐसे कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन फिश के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा। फिश के साथ? अच्छा, फिश आपने बोनलेस लिए, कांटों वाली मछली लिए? नहीं नहीं, फ्रेश फिश। हाँ बिल्कुल, वो सही। अच्छा जी, प्याज ऐसे ही ब्राउन हुई है, इसमें सब्जियां ऐड कर दी हैं और सब्जियों को थोड़ा सा हम सौते कर रहे हैं उसमें, सही? बिल्कुल। अभी कोई मसाले ऐड नहीं करे? कुछ नहीं। अच्छा, इसमें मसाले ज़्यादा जाएंगे? नहीं नहीं, वही बेसिक मसाले जाएंगे, कुछ भी नहीं ज़्यादा जाएगा, बस ये कि टमाटर हम दो दे दें मुझे, वरना दो टमाटर जी। अच्छा, इसका पेस्ट वेस्ट कुछ नहीं बनेगा? नहीं, किसी का कुछ नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट जाएंगे जी। अरे बैंगन नहीं डाले आपने अभी? नहीं, जल्दी गल जाएंगे, गल जाते हैं, इसलिए बैंगन, बैंगन जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए आप सब्जी मिक्स सब्जी बनाए तो कोशिश करें आप बाकी सब्जियों को फ्राई करके फिर दम पे जब रखें तब बैंगन डालें जी। मैं वैसे खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, कोई नई चीज़ मुझे पता चल जाए खाने की तो मैं फ़ौरन कोशिश करती हूँ कि ट्राई की जाए, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, अब मसालों की बारी आ चुकी है, अब क्या डाला है इसमें उन्होंने? अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, और ये हरी चटनी क्या है? ये अदरक, वो हरा धनिया और हरी मिर्च हैं। अच्छा, बस बस। अच्छा, ये जी हरा धनिया और हरा धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट है, पेस्ट है। वो उन्होंने एक चम्मच डाला चाय का, एक चाय का चम्मच जो है उन्होंने सब्जी में डाला। अच्छा जी, जबरदस्त। जब तक ये थोड़ा पानी डाल दिया आपने, अराउंड
कितना पानी? एक कप। हाँ, एक कप पानी डाला ताकि सब्जी गल जाए, राइट। अब क्या करना, लेट रखना है इसका। अच्छा जी, इसको ये गलेगी। नमक नहीं डाला अभी आपने? नहीं, अभी नहीं, जब मसाले डालूंगी तो फिर नमक। अच्छा, बाकी मसाले और भी डालेंगे? जी 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 जी, सब्जियां भी डलेगी अभी तो, क्योंकि इससे देर लगती है तो ये जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम पहले डाल दें। अच्छा, आलू और सेम की फली डाली है खाली आपने। अच्छा जी, मीनवाइल हम क्या करेंगे बाजरे के साथ? अब ये जो है इसमें हम, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाला और नमक डालूंगी मैं। अच्छा, बाजरे का आटा कितना लिया है आपने? मैंने एक कप लिया है इसमें, क्योंकि हमारी चीजें कम कम है, दो आलू हैं, एक वो है जी। अच्छा, इन्होंने एक कप बाजरे का आटा लिया, वही चक्की से आपको मिल जाएगा नॉर्मल। जी, जी, बिल्कुल। बाजरे का आटा लिया, उसमें इन्होंने गरम मसाला पाउडर डाला हाफ टीस्पून, थोड़ा सा ऑयल डाला तकरीबन एक चम्मच, वन टेबल स्पून, राइट, वन टेबल स्पून ऑयल डाल के, और जो हरी मिर्च और हर धनिया की चटनी बनाई थी इन्होंने, वो ही एक टीस्पून इन्होंने डाली है। अच्छा, आटा गूंदने का तरीका देखें, ये अभी पानी नहीं डाला इन्होंने, इसलिए कि थोड़ा वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, क्रम्बल कर रहे हैं बेसिकली, आपने देखा सैंडी लुक देने के लिए थोड़ा सा क्रम्बल कर रहे हैं आपस में, इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें तेल थोड़ा प्रिजर्व हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा, अच्छा पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, शामिल करना थोड़ा, अच्छा उसको थोड़ा थिक ही रखना है उसको, वो बिल्कुल वैसा नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल इसको जो है मेल्ट वाला नहीं करना है, आटे की तरह नहीं करना है, आटे की तरह नहीं करना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हार्ड रखना है। हाँ, हार्ड रखना है। अच्छा अच्छा, ये देखें कितना हार्ड ये आटा गूंद रही हैं आप, बस इतना ही हार्ड रहेगा ये? हाँ, इतना ही हार्ड रहेगा। अच्छा, मैं दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पे, आप प्लीज व्यूअर्स इसको प्लीज चेक करिएगा, ये देखें बहुत हार्ड है, लिटरली ये हार्ड आटा है, ये सॉफ्ट नहीं है। अब क्या करेंगे इसको, हमने थोड़ा रेस्ट के लिए रखना है इसको? नहीं, रेस्ट के लिए नहीं रखना, हमने ऑयल यूज करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे हम। ये है बेसिक मुठिया, जैसे ये बनेगी ना, ये हम इसके अंदर जब सब्जी बन जाएगी तो हम ये इसके अंदर डाल देंगे, तो ये भी पक जाएगी। अच्छा अच्छा, ये है बेसिकली, हमें यही करना है, जब ये आटा शेप होल्ड करने लग जाए इट्स रेडी, और इस तरह से ये मुठियां बन जाएंगी, और हम ये बना जब तक एक प्लेट में रखते हैं। इस वक्त टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप ब्रेक पे जाइए और जल्दी से वापस आइए और देखिए ये मुठियां जो है हम क्या सब्जी में डालते हैं और आगे का प्रोसीजर क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही मजे का शो है, जरूर देखिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में हमारे साथ हैं आज कुकिंग एक्सपर्ट अनीला, जो कि बना रही हैं ढोकरी विद फिश एंड मालपुरा विद रबड़ी। यम यम यम, बहुत ही यम खाने बन रहे हैं आज, और ओवर टू यू अनीला। मैं थोड़ी सब्जी चलाना शुरू हो गई थी, एक आदत है, एक आदत से मजबूर है। हम किचन में आ जाए तो चूल्हे को हाथ लगाए बगैर सुकून नहीं मिलता। एक प्याली में रेड लोबिया डाल रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, हमने सब्जी को गलने के लिए रख दिया था, आलू थे हमारे पास और सेम की फली थी। वो जब हल्की सी गल गई तो उसमें उन्होंने एक कप रेड लोबिया बॉईल किया हुआ डाल दिया। एक कप मटर, ये मटर डाल रही हैं अब इसके अंदर एक कप, और बाकी सब्जी क्या है, एक बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च, तीन ग्रीन मिर्च, गाजर है और वालोर है। अच्छा वालोर, अच्छा हम तो इसको भी सेम की फली कहते हैं, ये अलग है, ये फली अलग है। हाँ, ये सेम की फली है बेसिकली, लेकिन ये वालोर है। अच्छा अच्छा जी, ये वालोर है और ये सेम की फली दूसरी, जो यूजली हम कराची वाले हम इसको सेम की फली कहते हैं, वो डाला है। तमाम मिक्स सब्जियां उन्होंने काट ली है, एक कप तकरीबन, एक गाजर होगी आपके पास, दो तीन सेम की फली होंगी, और वालोर जो है चार पांच होंगी। हाँ, चार पांच। अच्छा, इसको ऐसे ही आप हाथ से तोड़ लेते हैं, लाइक इस तरह से आपने करके जो है आपने सब्जी में डाल दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब हम मसाले डाल देंगे। अब मसालों की बारी आ रही है, मसाले डाल रहे हैं हम, नमक जायका, बिल्कुल लाल मिर्च, वन टीस्पून ही फुल भर के डाली है इन्होंने, गरम मसाला पाउडर हाफ अ टीस्पून, हल्दी पाउडर अगेन ऑलमोस्ट हाफ अ टीस्पून, राइट, आधा चाय का चम्मच, सब मसाले डाले इन्होंने। अच्छा, और इसके बाद वो भी दे देना हरी चटनी। हाँ, अच्छा, ये हरी चटनी जिसको हमने धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ था वो भी हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये खुशबू भी जो है वो थोड़ी डिफरेंट आ रही है सब्जी की, और अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि अच्छा आप लोग ज्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, कलर में कह रही हूँ ना, कलर, हाँ कलर्ड होना चाहिए, है ना, कलरफुल होना चाहिए। टमाटर भी डाले इसमें, टमाटर। अच्छा, इन्होंने फौरन
स्लाइस करके एज इट इज डाल दिए थे जब हमने आलू और सेम की फली जो है गलने के लिए रखा था, उसी में टमाटर भी गल गए थे, राइट। पानी चाहिए, ओके जी, पानी जाएगा इसमें, एक कप के करीब पानी डाला है ताकि ये गल जाए सब सब्जियां अच्छी तरीके से, है ना। बिल्कुल। अब हम इसमें मुठिया डाल देंगे। हाँ, मुठिया भी डाल देंगे हम इसमें। अच्छा, और हम बैंगन भी डाल देंगे इसके। अच्छा, बैंगन। अच्छा, अब मुठिया भी डाल देंगे इसमें और बैंगन भी डाल देंगे। और ये भी डाल दूँ? हाँ डाल दो। ये भी डाल दी मैंने और बैंगन भी अब इस पॉइंट पर उन्होंने डाल दिए हैं। एक कप पानी ऐड करके अब इसको मसाले डाल के गलने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे, राइट। हाँ, जब तक हम मालपूड़े तल लेंगे। जब तक हम मालपूड़े तल लेंगे और मालपूड़ों के लिए, अच्छा ये क्या बैटर है ये मैं देख रही हूँ, ये मैदा है। अच्छा, एक पाव, इसमें दो अंडे हैं। अच्छा, और जर्दी का कलर है और एक कप चीनी है। अच्छा, मालपूड़े जी। अच्छा, बेसिकली मीठे इसको। हाँ बिल्कुल मीठे। अच्छा जी, मालपूड़े के लिए इन्होंने एक कप बेसन लिया, उसमें एक कप मैदा। अच्छा, मैदे में बना जी जी, एक पाव मैदा है दरअसल ये। अच्छा हाँ। अच्छा चलिए आप स्टार्ट करें। अच्छा जी, मालपूड़े के लिए आप नोट कर लीजिए, एक कप मैदा है, दो अंडे, दो अदद अंडे हैं और उसमें जर्दे का थोड़ा सा कलर डाला है इन्होंने और चीनी, चीनी एक कप, एक कप। अच्छा, मीठी ज़्यादा नहीं हो जाएगी? और बड़ी इलायची का पाउडर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे वरदा। अच्छा, बेसिकली बहुत मीठा ही खाया जाता है। अच्छा, मालपूड़ा बहुत मीठा होता है। अच्छा, और आप इसको बिल्कुल इतने डीप फ्राई कर रही हैं, ऑयल बहुत ज्यादा है इसमें। जी, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, कितने तक फ्राई करना है इसको? अंटिल अनलेस द गोल्डन ब्राउन कलर। हां, गोल्डन ब्राउन। अच्छा, जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हमने इसको जो है वो फ्राई करना है। अच्छा, इज इट कंपलसरी कि आपने इसको जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है या आप इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम? नहीं, हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। अच्छा, हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। हां बिल्कुल, क्योंकि ये ओवरनाइट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये फौरन बनने शुरू हो जाता है। ये तो ट्राई करना बनता है क्योंकि बहुत डिफरेंट चीज़ बन रही है ये मालपूड़ा और ढोकरी। वाह, अच्छा ये बबलिंग से वो भी हो रहा है, फूलना शुरू हो गया अभी। अच्छा, आप देखें कॉर्नर्स के भाई हमारा नाराज नहीं है क्या? मतलब है, आपने ऐसी बात कर दी, देखें कितना वो कॉर्नर इसके जो है वो ब्राउन हो गए, तो इसका मतलब हमारा मालपूड़ा नाराज नहीं है, इसका बैटर ये हैप्पी मूड में है और अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन रहा है। अच्छा जी, मेरी टीम की नज़र है इसके ऊपर कि मेरी टीम खाने वाली है, ट्राई करेगी, है जी टीम? अच्छा जी, टीम की भी नज़र है इस पर। अच्छा जी, इसको हम रबड़ी के साथ सर्व करते हैं। रबड़ी के साथ, हमारे घर के अगर मलाई है तो रबड़ी नहीं है तो मलाई के साथ भी इसको कर सकते हैं, उस हिसाब से ही आप मीठा भी डालेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें। हाँ, मीठा मीठा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये हम डाइट वाले लोग तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, बिल्कुल चखूँगी ज़रूर। यार जबरदस्त कलर आ गया है इसका। अच्छा अच्छा, और ये अच्छा, अब देखिए कॉर्नर्स जो अनबैलेंस थे जिसके प्रॉपर राउंड, अच्छा इसकी प्रॉपर एक शेप नहीं, नहीं शेप नहीं होती, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रियली लुक ऑसम। हमेशा आप कहीं पे भी लेंगे ये देखें तो ये ऐसे ही है। अच्छा, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं और इसको हमने पेपर टॉवल के ऊपर जो है, मैं इसको सेट कर लेती हूं, आप जो है वो दूसरा डाल दी जब तक ऑयल भी गर्म हो गया है। इसको हमने ऐसे, वाओ क्या खुशबू आ रही है, एकदम से ज़बरदस्त खुशबू आई है, मैं इसको खोल रही थी और खुशबू आना शुरू हुई है। जितने भी आप वो करें इसके अंदर, उसको हिलाते जाएं और डालते जाएं। अच्छा अच्छा, हिला हिला जी, आपने बैटर को मैदा नीचे बैठ जाता डालना है ताकि मैदा नीचे बैठ जाता है, ना बैठ जाए, राइट। ज़बरदस्त, ये तो एक मैं भी ट्राई करूँगी बना के। अच्छा, इसको मैं सब्जी को जो है वो थोड़ा सा चला दूँ नीचे कर दूँ क्योंकि वो थोड़ी सी इसमें बबलिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरा मालपूड़ा बन रहा है, इस तरह से हम बाकी का मालपूड़े भी जो है वो हम बना लेंगे, ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल, हम बाकी के मालपूड़े भी जब तक बनाते हैं आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं मज़ेदार सा शो जो कि है हमारा रिवायतों की लज्जत, जहाँ बनते हैं रिवायती खाने और आज रिवायती खाने बन रहे हैं वो है ढोकरी विद फिश, या कि फिश ढोकरी और मज़ेदार से मालपूड़ा विद रबड़ी, यम यम यम। और अच्छा जी, सब्जी जो है वो गल चुकी है, रेडी हो चुकी है, मालपूड़े जो है हमने ब्रेक में जो है वो फ्राई कर लिए थे और हम देख ले मालपूड़े नाराज़ नहीं है, हमारे क्रिस्पी हुए कॉर्नर्स के गोल्डन ब्राउन हुए, राइट। अच्छा जी, और अब जो है वो बारी है फ़िश फ्राई करने की। अच्छा जी, और मैं ये बताऊँ, फ़िश में इन्होंने मसाला लगा के रखा हुआ है और अब अनिला बताएंगी हमें कि इन्होंने फ़िश में क्या मसाला लगाया है। ये फ़िश है 1 किलो नमक, हल्दी, जायका नमक, हल्दी क्वार्टर टी स्पून, लाल मिर्च
क्वार्टर टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाला है, कुटी कश्मीरी डाली है, अच्छा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है इन्होंने इसमें कितना, और एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। अच्छा ये इतना गाढ़ा कैसे है? गाढ़ा इसलिए है कि इसमें मैंने हरा धनिया जीरा पीस के डाला है। अच्छा, और एक दो हरी मिर्चें भी डाली है उसके अंदर। अच्छा, इस तरह से पेस्ट बना के मैंने इसमें डाला। अच्छा आप एक काम ही कर सकते हैं कि आपने हरा धनिया, जीरा, हरी मिर्चें, जीरा एक टीस्पून। अच्छा आप फ्राई भी करते हैं। अच्छा एक टीस्पून जीरा और हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, राइट, बिल्कुल वो, और उन्होंने हरी मिर्चें, दो अलग हरी मिर्चें इन्होंने जो है उसको इन सबको पीस के उसका पेस्ट बना लिया था। उसी में आप चाहे तो नमक और लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के उसको ग्राइंड करके आप उसका पेस्ट लगा सकते हैं, राइट, एक साथ ही आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक लहसुन डालना हो तो आपकी मर्जी है। अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट इज एन ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप डालें, अगर ना चाहें तो आप नहीं डालें। अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं कि फिश में जो है वो हीक बहुत आती है, हाँ, तो हीक निकालने के लिए आपने क्या किया? अदरक लहसुन आप डाल नहीं रही हैं इसमें, कभी है ना वो लगा देते हैं सिरका, और कभी नींबू के पानी में मच्छी को डाल देते हैं। अच्छा यानी कि आपने फिश किया हुआ है। अच्छा जी जब ये फ्रेश फिश आई थी तो इन्होंने फिश को नींबू के पानी में डिप कर दिया था, खत्म हो जाए, इसलिए फिर उन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है जब तक फिश फ्राई हो रही है तमाम चीज़ें रेडी हैं, मैं करती हूँ इनकी अनिला के साथ मिलके फाइनल प्रेजेंटेशन, जब तक आप जाके देखिए रेसिपी का रीकैप। डोगरा फिश, प्याज दो अदद, बैंगन एक अदद, आलू दो अदद, सेम की फली दो अदद, वाइट बीन पाँच अदद, फिश आधा किलो, टमाटर दो अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट एक चाय का चम्मच, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट एक चाय का चम्मच, पानी हसबे ज़रूरत, बाजरे का आटा एक कप, गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, तेल एक चाय का चम्मच, लोबिया एक कप, मटर एक कप, कश्मीरी मिर्च तीन अदद, गाजर कटी हुई एक अदद, वालवर कटी हुई दो अदद, लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, हरा धनिया और जीरे का पेस्ट एक चाय का चम्मच। तरकीब, एक पतीली के अंदर एक कप के बराबर ऑयल शामिल कर लें, साथ में प्याज को लाल कर लें और आलू सेम की फली डालकर भून लें, थोड़ी देर बाद टमाटर काट कर डाल लें, साथ ही लहसुन अदरक हरा धनिया हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर पतीली में डालकर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दें। बाजरे का आटा लेकर इसमें गरम मसाला, नमक, तेल सबको मिक्स कर लें, जब तक आटा सख्त ना हो जाए तब तक भून लें। पतीली में मटर, लोबिया, कश्मीरी मिर्च, गाजर, सेम की फली, वॉल्वर सब शामिल करके साथ भून लें, और भूनने के साथ साथ गरम मसाला, हल्दी और बाकी मसाला जार डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। बाजरे की आटे की मुठिया बनाकर डालें और बैंगन डालकर हल्की आंच पर छोड़ दें। आधा किलो फिश में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया और हरा धनिया और जीरे का पेस्ट बनाकर डालें और अच्छी तरह मिक्स करें और फ्राई करके फिश के साथ पेश करें। मालपूरे, अज्जा, मैदा एक पाव, अंडे दो अदद, जर्दे का रंग आधा चाय का चम्मच, चीनी एक कप, बड़ी इलायची एक चाय का चम्मच। तरकीब, एक कप के बराबर मैदा लें, इसमें दो अंडे मिक्स करें और साथ में जर्दे का रंग, चीनी और बड़ी इलायची डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक फ्राई पैन में गरम तेल कर लें, फिर फ्राई कर लें और क्रिस्पी करें और मज़े मज़े से रबड़ी के साथ पेश करें। जी जनाब, आई एम श्योर आपने रेसिपी कार्ड जो है वो नोट कर लिया होगा, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही हटके है, और आई एम श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर पे, कुछ नहीं तो एज ए स्नैक्स। आप जो है वो मालपूड़े तो बहुत ऐसे कॉमन हो चुके हैं अब, और मालपूड़े जो है वो अक्सर बनते हैं घरों में, लेकिन तरीका कैसे है आप ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मैं इस वक्त करने लगी हूँ टेस्टिंग, क्योंकि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ और मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये देखें जो सब्ज़ी हमने बनाई थी, सब्जी कहलाती है, बेसिकली सब्जी स्पेशल नाम नहीं है। अच्छा ढोकरी, ढोकला सब्जी जो हमने बनाई थी वो आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि देखें थोड़ा सा इसमें जो है वो ग्रेवी रखी गई है, सब्जी गल गई, थोड़ी सी ग्रेवी जैसे उन्होंने कहा था कि गाढ़ी हो गई है, इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी, और उसके बाद इसी के ऊपर जो फिश फ्राई की थी इन्होंने वही फिश जो है इसके ऊपर सर्व कर दी है, और मुठिया भी जो है वो साथ में यहाँ पे मौजूद है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये देखें इस तरह से इसको हम निकाल के दिखाएंगे। अच्छा ये देखें गल भी गई है, राइट, बिल्कुल
ये ऐसे ही राइट ऐसे ही होती है, इस तरह से ये गल भी गई है और ये स्पून से ही खाई जाती है राइट। इसमें आप वेजीज भी ले सकते हैं और ग्रेवी भी और थोड़ी सी फिश भी लेके आप इसमें ऐसे ही, अरे वाह फिश भी देखिए आप कितनी हर चीज़ सॉफ्ट है, आप स्पून से ही खा सकते हैं। आप ट्राई करें, मैं भी जरूर खा के ट्राई करूँगी और बताऊँगी ये कैसी बनी है। आई वांट ट्राई ढोकरी बिकॉज वेरी डिफरेंट बाजरे की उससे बनती है। It's something really different, right? अच्छा मसाले जैसे आपने कहा था कि थोड़ा तेज रखना है, तेज राइट। अच्छा ढोकरी में भी देखिए मिर्ची अब आ गई है, बिल्कुल। और इसमें नींबू भी आप लोग डाल सकते हैं, मैं नींबू इसमें आप चाहें तो लीमू एग्जैक्टली और लीमू से टेस्ट इसका मजीद अच्छा हो जाएगा, मजे का हो जाएगा। वो कहेंगे टेस्ट में इसके फ्लेवर में चार चांद लग जाएंगे। मैं यहाँ पे मालपुड़ा थोड़ा ट्राई करना चाह रही हूँ। अच्छा मालपुड़ा आप खीर के साथ ऐसे ही रबड़ी के साथ खा सकते हैं, रबड़ी के साथ, और आप जो ऐसे ही जस्ट लाइक दिस राइट रबड़ी के साथ खा सकते हैं, अगर नहीं तो आप ब्रेकफास्ट में बलाई के साथ भी ले सकते हैं राइट। क्रंची जो क्रंची फ्लेवर है इसका, जो क्रंचीनेस की क्रिस्प आ रही है वो बहुत मजे की लग रही है। थैंक यू सो मच सुनीला, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे शो पे आई, हमें इतनी मजे की रेसिपीज बनाना सिखाई आपने, थैंक यू सो मच, वेलकम हमेशा के लिए, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा अनिला जी बहुत स्वीट है, एक तो इतनी अच्छी रेसिपीज बताती हैं हमें और बहुत ही तहम्मुल समझाती हैं राइट, थैंक यू सो मच जी। और आपने अपना फीडबैक देके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, और इसके अलावा आप हमें ये भी बताएंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी स्पेशल डिफरेंट या यूनिक रेसिपी है जो जनरेशन टू जनरेशन आपकी फैमिली में चली आ रही है, और आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप हमारे व्यूवर्स तक उसको पहुँचाना चाहते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें और हम वेट करेंगे आपके कॉमेंट्स का कि ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी के साथ ही आज के शो के लिए आपसे लूँगी इजाज़त, लेकिन फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी एक नए शो के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।